फ्रेंड्स, कुक विद रजनी में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है बॉम्बे का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड पाव भाजी, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और सभी को बहुत पसंद आती है। आज ये रेसिपी हम एकदम मार्केट स्टाइल बनाएंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए तो बनाना शुरू करते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने पाव ले लिए हैं, 5 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू ले लिए हैं, 3 मीडियम साइज के टमाटर बारीक कटे हुए, बटर, ऑयल, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज, उबली हुई 1 कप फूल गोभी, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप उबली हुई मटर, आप चाहे तो फ्रोजन मटर का भी यूज़ कर सकते हैं, 1 कप बारीक कटी हुई गाजर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। फ्रेंड्स, ये तीखी नहीं होती, इससे बस बहुत अच्छा कलर आता है। 1/4 कप शिमला मिर्च, 1 नींबू का रस, नमक स्वाद अनुसार और 2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला। तो आइए बनाना शुरू करते हैं मार्केट स्टाइल पाव भाजी। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, अब मैं उसमें डालूँगी बटर। भाई पाव भाजी है तो बटर तो जाएगा ही। और 2 बड़े चम्मच ऑयल, ऑयल इसलिए ताकि जो हमारा बटर है वो जले नहीं। अगर बटर मैं ऐसे ही डाल दूंगी और तेज फ्लेम रहेगी तो मेरा जो बटर है वो बिल्कुल जल जाएगा और काला पड़ जाएगा, जिससे हमारी पाव भाजी है उसका कलर अच्छा नहीं आएगा। बटर मेल्ट होने पे मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज को भूनूंगी लगभग 1 से 1.5 मिनट। अदरक लहसुन का पेस्ट इसे भी मैं कच्चापन दूर होने तक भून लूंगी। अब मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी, गाजर, इनको भी मैं 3 से 4 मिनट तक प्याज के साथ और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी, ताकि हमारी जो सब्जियाँ हैं थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर ऐड कर दूँगी अब मैं। टमाटर है तो नमक तो जाएगा ही, ताकि जो हमारे टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाएं। अब मैं जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते जब तक सब्जियों को पकाऊंगी। ये देखिए हमारे जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दूंगी, कश्मीरी लाल मिर्च, पाव भाजी मसाला और जो हमारी उबली हुई सब्जियां थी वो मैश कर दूंगी। मटर और अच्छी तरह सारी सब्जियों को मिक्स कर लूंगी। मैश किए हुए आलू ये भी मैं मिक्स कर दूंगी। मैंने सारी सब्जियों को मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और 3 से 4 मिनट तक इनको पकाऊंगी, ताकि जो मसाले हैं उनका फ्लेवर सारी सब्जियों के अंदर आ जाए। ये 3 से 4 मिनट हो गए, हमारी सब्जियां अच्छी तरह मसालों के साथ मिक्स हो गई हैं और उनका फ्लेवर भी। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम मैशिंग का। अब हम सारी सब्जियों को किसी मैशर की हेल्प से अच्छी तरह मैश कर लेंगे। बिल्कुल मार्केट जैसे, मार्केट में हम पाव भाजी खाने जाते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो मैशर की हेल्प से, और इनसे जितना आप मैश करोगे उतना ही हमारी जो पाव भाजी है वो
टेस्टी बनेगी। ये देखिए हमने अपनी सारी सब्जियां अच्छी तरह मैश कर ली हैं। अगर इस स्टेज पे आपको लगे कि जो हमारी भाजी है वो गाढ़ी है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा नमक, क्योंकि नमक हमने जब टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए ही डाला था। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। नींबू का रस कर मिक्स कर देंगे और कसूरी मेथी जो हमने एक चम्मच ली थी उसको क्रश करके डाल देंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो देखिए हमारी जो पाव भाजी देखने में कितनी टेस्टी लग रही है, कोई कह सकता है कि ये मार्केट की नहीं है। और जाएगा इसमें बटर, क्योंकि बटर के बिना तो भाजी तैयार हो ही नहीं सकती। अब हम अपने पाव रेडी करते हैं। हम अपने पाव तैयार करेंगे एकदम मार्केट स्टाइल जैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने बटर ले लिया है, बटर थोड़ा मेल्ट हो जाएगा इस पर डालूंगी मैं। कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अब अपने पाव को अच्छी तरह सेकेंगे, दोनों तरफ से अच्छी तरह सेकेंगे। हमारे जो पाव है बिल्कुल तैयार हो गए हैं सर्व के लिए। देखिए हमारी पाव भाजी तैयार है एकदम मार्केट स्टाइल। फ्रेंड्स आप भी एक बार जरूर इस रेसिपी को ट्राई करें।